मैनेजर साहब, आदाब। नमस्ते, कहिए। मैं राज मल्होत्रा साहब का खासुल खास आदमी, उनका खिदमतगार, उनका ड्राइवर, बब्बन नाम है मेरा। उनके कमरे के मुतालिक पूछने को आया। हटको है ना? मतलब वो क्या है, वो खुदा की कसम, ये आजकल के फैना जो है ना, उनको बहुत तंग करते हैं। और वो सीधे सिंपल आदमी है, उनको ये खिटपिट नको होना। नहीं नहीं बाबन जी, आप फिक्र मत कीजिए, उनके सारे इंतजाम मैं खुद कर चुका हूँ। अच्छा जी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत नवाजिश, शुक्रिया। आप उनकी फिल्में तो देखी होंगे? नहीं, मैं फिल्में नहीं देखता। आप हिंदुस्तान में रह के फिल्में नहीं देखते क्या मैनेजर साहब? आप भी थोड़े हटके हैं। नहीं बबन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले देखता था, आजकल नहीं देखता। तो क्या देखना, कहाँ है वो फिल्मा पहले जैसी? कहाँ है वो हीरो? कहाँ है वो हीरोइना? कहाँ है वो कहानियां? क्या फिल्मा बनती थी साहब? उस जमाने में हम यूसुफ खान साहब की खिदमत में हुआ करते थे। ऐसा कलाकार हिंदुस्तान के पर्दे पे फिर कभी नहीं आया, खत्म। वहां से हम निकले तो हीरो की खिदमत में आ गए। हमारी ये हीरो सब हिट फिल्मा करते हैं, चॉइस करते हैं। हाँ, इसके वास्ते हम इनके संगात थे। देखो उनका कमरा देखने को भी ये नौकर पहले आया, वो बाद में आएंगे। आप बेफिक्र रहिए बबन मियाँ, आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। नवाजिश। वैसे कब आ रहे हैं आपके साहब? बस पहुंचते ही होगा हीरो जी का कारवां। ठंडी होती ना, बहुत मजा आएगी। लास्ट टाइम है ना, मैं इधर बहुत मुर्गी खाने के बारे में अभी बहुत खाऊंगा। सर, मिस्टर राज मल्होत्रा अपने कमरे में चेक इन कर चुके हैं। आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते थे ना? मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा, तुम जाओ। हेलो, हेलो, मैं मिस्टर राज मल्होत्रा से बात कर सकता हूँ प्लीज? कौन है? मैं इस होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ।
जी एक मिनट, आपका फोन है। किसका? जी इस होटल के मैनेजर का। ओह ओके, थैंक यू, सॉरी। या राज मल्होत्रा। हेलो सर, मेरा नाम शिव कपूर है सर, आई एम द मैनेजर ऑफ द होटल, वेलकम टू द नैनी हिल्स। कहिए मैनेजर साहब। सर जस्ट वांटेड टू चेक इफ यू आर कंफर्टेबल, किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज मुझे याद कीजिएगा। ऑफ कोर्स, वैसे आपका होटल बहुत खूबसूरत है और आपके अच्छे मैनेजमेंट की झलक हर जगह से नजर आ रही है। थैंक यू सर। सो वंस अगेन, किसी भी चीज की जरूरत हो माय एक्सटेंशन नंबर 16 मुझे जरूर याद कीजिएगा। अरे भाई कोई भी तकलीफ होगी आप ही को याद करेंगे और कहां जाएंगे हम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मिस्टर मैनेजर, थैंक यू। नाइस गाय, वैसे आज मुझे सब कुछ वेरी वेरी नाइस ही नजर आ रहा है। वही मैं हूँ, वही सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। मुझे ये जो मेरी आंखें हैं ना, इन्होंने हमेशा औरों के ख्वाब पूरे किए और अब पहली दफा ये ख्वाब देखने की हिम्मत कर रहे हैं। थैंक यू। वैसे ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? हाँ यूं हंस के मेरे इशारे को तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती हो, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। अच्छा, अपना फैसला सुनाने से पहले मुझसे कुछ कहना चाहती हो तुम? अपने बीते हुए कल के बारे में कहना चाहती हो? लेकिन मुझे नहीं सुनना। लेकिन अगर तुम्हारे कहने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है और मेरे बारे में फैसला करने में तुम्हें आसानी होती है तो आई डोंट माइंड, गो अहेड। लेकिन इतनी बात याद रखना, तुम कुछ भी कहो मेरा फैसला वही रहेगा। कहो कहो पूजा। मैं तलाकशुदा हूं, मैंने किसी से मोहब्बत की थी और हम अलग हो गए। मैंने कहा था ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम बीते हुए दिनों में जीना छोड़ दो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आज तुम्हारे साथ है वही सच है। अब जल्दी से बताओ हाँ या हाँ, क्योंकि ना का सवाल तो उठता ही नहीं है। एक काम करता हूं, मैं शूटिंग बैकअप करता हूं, फटाफट यहां से चलते हैं और शादी की तैयारी करते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत बात है, पहले काम खत्म करते हैं फिर चलते हैं। आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, पूरा यूनिट वहां आपका इंतजार कर रहा होगा। मैं भी अपने कमरे में जाके अपने बाकी के काम खत्म करके वहां पहुंचती हूँ। ओके पूजा, थैंक्स। नो इट्स ओके। पूजा एक काम करते हैं, आज रात को होटल के लॉन में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम उस होटल के मैनेजर से मिलके सारी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लो। क्या नाम बताया उस होटल के मैनेजर ने फोन पर? शिव, शिव कपूर। ओके मैम। हाय, आई एम पूजा फ्रॉम रूम। जी हाँ, मिस्टर राज मल्होत्रा के साथ। जी हाँ,
दरअसल मिस्टर राज आज रात आपके लॉन्स पे एक छोटी सी पार्टी देना चाहते हैं। हाँ जी। उसी के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि हर चीज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑफ कोर्स मैम, लेकिन इस बारे में अगर आप हमारे मैनेजर साहब से बात कर लें तो और अच्छा होगा। जी नहीं, आपसे बात कर लिया काफी है। अच्छा। वैसे कौन है आपके मैनेजर? मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, उनका पूरा नाम? मिस्टर शिव कपूर। शिव कपूर नए हैं? हाँ जी, यहाँ पिछले एक साल से हैं। कहाँ के हैं वो? दिल्ली के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ पे रहते हैं? यहीं पीछे उन्हें कॉटेज दिया गया है, उसी में रहते हैं वो। फैमिली होगी उनके साथ? नहीं, अभी तो अकेले रहते हैं। अच्छा अच्छा, आप जरा देख लीजिए कि हर चीज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हो। यस मैम। थैंक यू। मैम, आप पूछ रही थी ना, यही हमारे मैनेजर मिस्टर शिव कपूर। कमाल है, अभी तक तो आपके बारे में इतना कुछ पूछ रही थी, अब यूं ही चली गई। स्ट्रेंज।